नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मोनू सिंह कार टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, एक गाड़ी है हुंडई i20 और इस गाड़ी में आज हम कॉइल पैड रिप्लेस करने वाले हैं। ये गाड़ी अभी तक 75,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो आज की वीडियो में हम रियर कॉइल पैड रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये किस वजह से कर रहे हैं हम, ये भी आज बताएंगे। तो गाड़ी में अभी CNG फिट हुई है, जिसकी वजह से जो गाड़ी का पीछे से काफ़ी गाड़ी बैठ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये गाड़ी की डिग्गी है। गाड़ी की डिग्गी में अभी CNG सिलेंडर फिट हुआ है, जिसकी वजह से जो गाड़ी पीछे से काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम कॉइल पैड रिप्लेस करेंगे। ये आप देख सकते हो, गाड़ी पीछे से काफ़ी डाउन हो चुकी है और जो टायर के बीच में गैप होता है वो भी काफ़ी कम है। तो आज की वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं कि कैसे होगा। जैसा कि आप अब देख सकते हो, गाड़ी पीछे देखो और आगे देखो कितना फ़र्क है। गाड़ी जो पीछे से काफ़ी डाउन हो चुकी है, मीन्स गाड़ी पीछे से काफ़ी बैठ चुकी है। जब गाड़ी में CNG फिट होती है, उसकी वजह से जो गाड़ी का वेट होता है रियर में, वो ज़्यादा हो जाता है CNG सिलेंडर की वजह से, जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी डाउन हो जाती है। तो अभी आप गैप देख सकते हो टायर और बॉडी के बीच में, तो ये 2.5 से 3 उंगली का गैप है। जो आज की वीडियो में हम इस गैप को इंक्रीज करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हो, जो पीछे से काफ़ी डाउन है गाड़ी, काफ़ी बैठ चुकी है, तो दोनों साइड जो गैप है वो सेम है, 2.5 से 3 उंगली का गैप है बॉडी और टायर के बीच में। जब हम इसमें कॉइल पैड रिप्लेस कर देंगे, तब हम आपको दिखाएंगे पहले का गैप और अब का गैप, तो इसमें कितना फर्क आया। ये अभी देख सकते हो, इसमें जो टायर और बॉडी के बीच में काफ़ी कम गैप है, ये आज हम इंक्रीज करेंगे। गाड़ी में अभी कोई शॉकर माउंट फिट नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये रियर स्प्रिंग है शॉकर की। तो जो स्प्रिंग होती है, कॉइल होती है, तो इसके ऊपर एक कॉइल पैड लगाया जाता है, जिससे गाड़ी की जो पीछे की हाइट है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो अभी इसमें कोई कॉइल पैड नहीं है, तो आज की वीडियो में हम इसमें कॉइल पैड रिप्लेस करने वाले हैं। तो पहले एक साइड, फिर दूसरी साइड। अब आसानी से दिखेगा कि अभी जो स्प्रिंग है उसमें कोई कॉइल पैड लगा नहीं है। जो इस जैसा कि आप देख सकते हो, अभी इसमें कोई कॉइल पैड नहीं है। जो कंपनी फिटेड है वो काफ़ी कम थिकनेस का होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये इसकी स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के ऊपर एक माउंट लगाया जाता है, जिससे गाड़ी की जो हाइट है वो इंक्रीज की जाती है, बढ़ाई जाती है, तो गाड़ी उससे ज़्यादा ऊपर थोड़ी उड़ जाएगी। कॉइल पैड है, जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे पास 2 कॉइल पैड हैं। इसकी जो नए वाले की मोटाई काफ़ी ज़्यादा है, जो पुराने वाले की कॉइल पैड की जो मोटाई है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जो गाड़ी पीछे से काफ़ी दबी दबी लग रही थी। तो आज की वीडियो में हम इस कॉइल पैड को रिप्लेस करेंगे। जो इसमें प्रॉब्लम है गाड़ी नीचे बैठने की, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और गाड़ी काफ़ी हद तक उठ जाएगी। तो ये अभी पुराना कॉइल पैड है, जिसकी जगह हम नए कॉइल पैड को रिप्लेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, ये अभी पुराना कॉइल पैड है, जो काफ़ी कम मोटा, एकदम पतला कॉइल पैड है, जो आज की वीडियो में हम रिप्लेस करेंगे। ये कॉइल पैड है, जैसा कि आप देख सकते हो, दोनों कॉइल पैड की मोटाई जो आज हम रिप्लेस करेंगे वो काफ़ी मोटा है, और जो इसमें पहले फिट था वो काफ़ी पतला था, जैसा कि आप देख सकते हो। ये इसमें कॉइल पैड रिप्लेस हो चुका है, तो हमने नया वाला कॉइल पैड फिट कर दिया है। जो अब बारी है इस स्प्रिंग और कॉइल पैड को रियर ट्यूब में फिट करने की, तो एक जो माउंट है वो बॉडी में लगेगा रियर में, और स्प्रिंग हमारी ट्यूब पे फिट होगी। अब हम दोनों की मोटाई दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके थिकनेस और इसकी थिकनेस, जो नए वाले की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, और जो पतली वाली कॉइल पैड है, इसकी जो थिकनेस है बिल्कुल स्मॉल है, बहुत कम थिकनेस है।
तो आज की वीडियो में हम इस कॉइल पैड को रिप्लेस कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, जो कॉइल पैड है वो हमने फिट कर दिया है कंप्लीट। और जो अब बारी है इसकी, जितनी भी हमने फिटिंग रिमूव की थी वो सारी फिट करने की। तो कभी भी कॉइल पैड रिप्लेस करो तब ये सेंसर, जो ABS सेंसर है, इसकी वायर हमेशा चेक करना, वो लूज़ रहनी चाहिए ना कि टाइट। अगर वो टाइट रहेगी तो जो ABS सेंसर है वो काम नहीं करेगा। ये कॉइल पैड रिप्लेस हो चुके हैं और ये ABS की तार बिल्कुल फ्री होनी चाहिए ना कि टाइट। अगर टाइट होगी तो वो ABS सेंसर काम नहीं करेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये कॉइल पैड दोनों कंप्लीट फिट हो चुके हैं। जो पहले कॉइल पैड थे वो इस जगह दिख नहीं रहे थे, जो स्प्रिंग थी वो काफ़ी अंदर जाके फिट थी, तो अब आपको ईजिली दिख जाएगा। तो ये इसके पुराने कॉइल पैड है जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी दबी दबी पीछे दिख रही थी। अगर गाड़ी में जैसे ही CNG फिट करते हो तो हमें कॉइल पैड भी रिप्लेस करने पड़ते हैं। अगर कॉइल पैड रिप्लेस नहीं करोगे तो CNG सिलेंडर लगने के बाद वो पीछे की जो हाइट है वो काफ़ी डाउन हो जाती है। मीन्स जो गाड़ी पीछे से काफ़ी बैठी बैठी लगती है गाड़ी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये इसके पुराने कॉइल पैड्स हैं और दो इसके नए कॉइल पैड्स हैं, वो हमने रिप्लेस कर दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, तो फाइनली हमने इसका कॉइल पैड रिप्लेस कर दिया है। और अब हम आपको गैप एक चेक करवाते हैं। जो पहले जो गाड़ी थी काफ़ी नीचे से दबी दबी थी और जो प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व हो चुकी है। तो काफ़ी टायर और बॉडी के बीच में काफ़ी गैप आ चुका है। जो पहले था वो काफ़ी टच हो रहा था, तो अब आप गैप देख सकते हो। ये टोटल 5 उंगली हमारी, तो आराम से वो ईजिली जा रही है। तो पहले 2.5 उंगली 3 उंगली इतना गैप था, तो अब टोटल 5 उंगलियों का गैप है। ये आप देख सकते हो, गाड़ी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। और जो गाड़ी में प्रॉब्लम थी, गाड़ी पीछे से काफ़ी बैठ चुकी थी, मीन्स गाड़ी पीछे से काफ़ी डाउन हो चुकी थी और जो टायर और बॉडी के बीच में गैप था वो काफ़ी कम था, तो अब वो गैप ज़्यादा हो चुका है। और जो प्रॉब्लम थी गाड़ी पीछे से बैठने की, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको दिखाया, पहले इसमें गैप काफ़ी कम था टायर और बॉडी के बीच में, तो अब वो गैप काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।